Warm welcome everybody on a wonderful Wednesday once again. Probably all of us have dual responsibility. One side, we have the responsibility of growing a business. The other side, we have the responsibility of growing the children. Now, both are critically important. Both comes probably around the same time. Dono ek hi samay pe aate hain. Jab business growth karne ka waqt hota hai, wahi samay hota hai kahin na kahin pe bachcho ko grow karne ka. Dono taraf balance create karna is one of the biggest task for all the entrepreneurs. क्योंकि कहीं ना कहीं पे बिजनेस बिकम सो डिमांडिंग दैट ऑल दी अदर प्रायोरिटीज कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं. नाउ द सब्जेक्ट फॉर द डे टुडे कि संस्कारों से भविष्य निर्माण, ये एक बहुत क्रिटिकल नीड ऑफ द आवर है आज का. और एक बहुत अच्छे वक्ता आज हमारे साथ में हैं, श्री मिश्रा जी. कुछ दिनों पहले हम लोग साथ में बैठे थे और कहीं ना कहीं पे एक चर्चा छिड़ी कि समाज में क्या चीज की जरूरत है आज की तारीख में. और कहीं ना कहीं पे एक पतन की दिशा में शायद जो नया जनरेशन है वो जा रहा है, एक्सेप्ट अगेन एक्सेप्शन अपार्ट, द फाउंडेशन जो मिलना चाहिए वो एजुकेशन सिस्टम में नहीं मिल रहा है. बहुत सारा दे आर फीडेड विथ लॉट ऑफ नॉलेज, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट जो कैरेक्टर का बेस होना चाहिए, जो रेस्पेक्टेबिलिटी का बेस है, वो कहीं ना कहीं पे मिसिंग है. कहीं ना कहीं पे वी आर लिविंग द गुड थिंग्स, कुछ आदान प्रदान हो रहा है. शायद हमारी सारी अच्छी चीजें वेस्टर्न वर्ल्ड ले रहा है और वेस्टर्न वर्ल्ड की सारी बुरी चीजें शायद इंडिया में लिया जा रहा है. तो कहीं ना कहीं से एक मूवमेंट की शुरुआत हो, ऐसी कुछ बात चल रही थी. तो हमने कहा कि वाई नॉट फ्रॉम दिस फोरम ऑन दिस वेडनेसडे क्या होना चाहिए एक फ्रेमवर्क. और मिश्रा जी एक बहुत प्रबल वक्ता है. अभी मिश्रा जी को पूछा गया प्रोजेक्टर की जरूरत, तो मिश्रा जी बोलते हम खुद पावर पॉइंट है. एंड हकीकत में ही इज अ पावर पॉइंट. सो प्रोबेबली यू नो आई विल इनफैक्ट कम बैक विद माय वैल्यूएशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन. पर अभी लेट अस रियली इनफैक्ट लेट लिसन टू हिम and he's got some fabulous points to make. Yeah, so ek bar zordar taaliyon se forum all yours. Bahut bahut swagat hai sir. Hi, suprabhatam. Suprabhatam. Main apna vaktavya jo hai hindi mein hi dunga. जैसा कि जैन साहब ने बताया, आज का जो विषय है संस्कार द्वारा भविष्य निर्माण. बंधुओं, आप में से कितने लोग हैं जो अपने गोत्र के बारे में जानते हैं, बताइए. आज जो मौलिक चीज है, हम अगर कोई कार्यक्रम अपने संस्कार के लिए करने जाते हैं तो हम एक संकल्प बोलते हैं. आपने देखा होगा ब्राह्मण लोग जब
चाहे एक छोटी सी सत्यनारायण पूजा ही आप क्यों ना करवाते हो, तो जब आप जाते हैं तो बोलते हैं कि आप अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिए। नाम और गोत्र का ही उच्चारण क्यों करवाते हैं, कभी आपने सोचा है? गोत्र जो है आपका मूल है, जहां से आपकी उत्पत्ति हुई है। गोत्र हम जिस ऋषि के वंशज हैं वो हमारा गोत्र होता है। जब हमें यह मालूम होगा कि हम किस ऋषि के संतान हैं, किस ऋषि का जीन हमारे अंदर में दौड़ रहा है, उस हिसाब से ही हमारी उन्नति तरक्की होगी। मूलतः गोत्र 16 होते हैं, 3 और 13 ऐसे बताए गए हैं, और इस 16 ही गोत्रों में पूरा दुनिया जो है विभक्त है। मुख्य है गर्ग, गौतम, सांडिल जो मुख्य ऋषि रहे, उसके बाद में 13 कश्यप, जमदग्नि, वशिष्ठ, ये सब। ज्यादा अगर हम इसी पर चर्चा करेंगे तो 3 दिन का समय केवल गोत्र पर चर्चा में चला जाएगा। हमारी कहीं न कहीं बौद्धिक विकास जो है रुक रही है, ऐसा मेरा मानना है। कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि हम बहुत एडवांस हो रहे हैं, लेकिन साइकिल हमें वही आदि मानव के तरफ ही ले जा रहा है। 2-4 एग्जाम्पल के द्वारा मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। आदि मानव भी गाछ के पत्ते, पेड़ के पत्ते, छाल वगैरह पहनते थे, वही पका कच्चा पक्का मांस खाते थे, और आज हम एडवांस होने में अपने कपड़े को ऐसे ऐसे जगह फाड़ते हैं, ऐसे कपड़े हम पहनते हैं कि हम अपने आप को मॉडर्न बताने में उन्हीं स्थान पर पहुंच रहे हैं। आज जो चिकन और क्या क्या जो भून करके दिया जाता है खाने में भी, जो आदि मानव पहले नोच नोच करके खाते थे, हम आज भी वही खा रहे हैं। इस विषय को भी हम यहीं पर केवल आप लोगों को एक दरवाजा खटखटा करके यहीं छोड़ देते हैं। आगे की हम विषय जो लेते हैं, हमारे देश में मुख्य रूप से 3 आंधी चली। जैन साहब से बात हो रही थी तो हमने उनको बताया भी था। पहली आंधी जो थी वो गांधी की आंधी थी। भले गांधी जी के साथ में गरम दल के भी लोग थे, लेकिन सही में अगर आंदोलन चलाए तो गांधी जी ने चलाए, और अंग्रेजों को भागना पड़ा तो केवल गांधी जी के कारण भागना पड़ा। क्यों? कि उनके पास में जो विचार था, उनके साथ में जो काफिला था, वो बहुत ही, और विचार पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, पहले केवल प्रिंट मीडिया और मौखिक प्रचार होता था। जैसे आज यहाँ पे 25 लोग हैं, 25 लोगों को जो बात हम आज यहाँ बताएंगे, ये 25 लोग अगर 10-10 लोगों को बताएंगे तो एक दिन में 250 लोग जानते हैं। अगर 250 लोग 10-10 लोगों को बताते हैं तो एक दिन में 2,500 लोग जानते हैं। तो इस तरह से उस समय जो वैचारिक आदान प्रदान होता था, रातों रात खबर आग की तरह फैल जाता था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की दूसरी आंधी आई, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 7 तरह की क्रांति की बात करी, जिसको नाम दिया संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति में था सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति,
सांस्कृतिक क्रांति, वैचारिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति, नैतिक अथवा आध्यात्मिक क्रांति, सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, सांस्कृतिक वैचारिक शैक्षणिक नैतिक और आध्यात्मिक, ये सात तरह की क्रांति को जयप्रकाश नारायण ने अपना मूल मंत्र बनाया और इसी पर उन्होंने काम किया। प्रायः सब लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी से अवगत होंगे, सभी लोग जानते होंगे। आज हम लोग उनके एक क्रांति जो है संस्कार द्वारा भविष्य निर्माण में वैचारिक और नैतिक क्रांति की बात करेंगे। हमारे पहले भी जो दार्शनिक हुए हैं, पथ प्रदर्शक हुए हैं, उन्होंने कहा है कि चरित्र के निर्माण द्वारा ही हम भ्रष्टाचार को मिटा सकते हैं। आज अभी अन्ना हजारे जी ने बहुत अच्छा आंदोलन छोड़ा था, लेकिन एक अन्ना नहीं, ऐसे अगर लाखों अन्ना भी मिल जाए तो भी इस देश का भ्रष्टाचार दूर हो जाए, मेरा पर्सनल मेरा मानना है, संभव नहीं है। जब पेड़ जड़ से सड़ गया हो तो उसमें चाहे कितना पानी डाल दीजिए, कितना भी खाद डाल दीजिए, कितना भी उर्वरक डाल दीजिए, वो पेड़ का विकास नहीं हो सकता। हम अगर भ्रष्टाचार को मिटाना ही चाहते हैं तो उसका सही रास्ता है चरित्र निर्माण। हर आदमी अपने अपने मन में यह संकल्प कर ले कि मुझे भ्रष्टाचार नहीं करना है, मुझे भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना है, तब ही जाकर के यह संभव हो पाएगा, अन्यथा यह संभव नहीं हो पाएगा। हम यह सोचते हैं कि भाई हमारे पास तो भगवान ने आज रहने के लिए अच्छा मकान, गाड़ी, बंगला, पैसा सब चीज दिया है, तो हम एक धक्का पुलिस स्टेशन की क्यों खाएं? हमें अपना पासपोर्ट बनाना है, हम एजेंट हायर कर लेते हैं। लेकिन वो एक एजेंट आपने हायर किया, उसी समय से आपको भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का एक रास्ता मिल गया। उसमें हम आप सब लोग उतने ही भागीदार हैं, केवल हम बाहर बैठ करके भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार करेंगे तो भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। सभी को कदम बढ़ा करके आगे बढ़ना पड़ेगा और सभी को यह संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं आज से ही न भ्रष्टाचार करूंगा, न भ्रष्टाचार सहूंगा, न भ्रष्टाचार को प्रशय दूंगा, तब जाकर के भ्रष्टाचार मिट सकता है। दूसरी बात है, शास्त्र में हमारा लिखा है, आहार निद्रा भय मैथनुंच सामान्य मेते पशु निर्भराणाम ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समान। हम मनुष्य और पशु में कई चीज सामान्य है, आहार खाना हम भी खाते हैं, निद्रा हम भी सोने शयन हम भी करते हैं, भय हमें भी लगता है, मैथुन भी हम करते हैं, लेकिन केवल बुद्धि जो है, विवेक जो है, केवल हमारे पास है, बाकी पशु के पास नहीं। यह विवेक ही जो है हमें मनुष्य बनाता है, हमें बुद्धिमान बनाता है, हमें सत्य और असत्य का परिचय कराता है, हमें न्याय और अन्याय का परिचय कराता है। आज जैसे कि हमने बताया, भ्रष्टाचार एक शब्द जो है चरित्र निर्माण के अगले शिखर पर हम चढ़ते हैं, तो सबसे पहला अगर हम घर में अपने प्रवेश करते हैं तो देखते हैं
कि बड़ों में और छोटों में आज की पीढ़ी और हमारे आने वाले पीढ़ी में बहुत बड़ा गैप बना हुआ है, अंतर बना हुआ है। इस अंतर के पीछे कारण क्या है कि हम आज यहाँ पे मुस्लिम जाति से कोई है नहीं, क्रिश्चियन से, सिख से कोई नहीं। हमें इन तीनों से सीखना चाहिए। मुस्लिम अगर नमाज पढ़ने जाता है तो अपने छोटे बच्चे को भी बोलता है कि चलो मस्जिद चल करके नमाज पढ़ो। ईसाई अगर चर्च जाता है तो अपने छोटे बच्चे को साथ में लेकर के जाता है और बोलता है कि गिरजाघर में चलो प्रार्थना करो। सिख अगर गुरुद्वारा में जाता है तो अपने छोटे बच्चे को भी साथ में, अपने घर के औरतों वगैरह को सबको साथ में लेकर के जाता है और बोलता है कि गुरु जी की सेवा करो, गुरुद्वारा की सेवा करो। केवल हमारी जो हिंदू सनातन संस्कृति है वो बोलती है अभी तो बहुत छोटा है, अभी इसके ये करने का दिन नहीं है। लेकिन घड़ा जब कच्चा होता है, मिट्टी के शेप में होता है, तभी हम उसको अच्छा आकार दे सकते हैं। घड़ा अगर पक जाए तो फिर हम चाहे कि इसमें कोई आकार दें तो संभव नहीं है। दूसरा है अभिवादन। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर पे कोई आए या हम किसी के घर पे जाएं तो हमारा बच्चा जो है विनम्रता का परिचय दे, संस्कार का परिचय दे। सामने कई बार हम बोलते भी हैं कि बेटा अंकल आए हैं इनको नमस्ते करो, लेकिन बेटा ने आपको कभी नमस्ते करते हुए अपने बड़ों को जब देखा होता तो उसको बताने की जरूरत नहीं होती। हम खुद पहल नहीं करते हैं अपने माँ बाप, अपने गुरुजनों, अपने बड़ों को पांव छूने की, जबकि हमारे शास्त्रों में लिखा है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धि पसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या जसो बलम्। अभिवादन एक ऐसी गहना है जिससे आपके चार चीज की वृद्धि होती है, उससे कमी कुछ नहीं होता है। जब आप किसी को पांव छूते हैं, किसी को नमस्कार करते हैं, तो हमारे शास्त्रों में चार तरह के आशीर्वाद बताया गया है, आयु, आयुष्मान भव, बलवान भव, यशस्वी भव, विद्वान भव, कुछ ना कुछ। हालांकि उसके कहने से वो कितना, अब जबकि हमारे शास्त्रों में इसका प्रमाण भी है कि आशीर्वाद से विजय मिला है, आशीर्वाद से वो चिरंजीवी हो गया है। द्रोणाचार्य का आप लोगों ने नाम सुना होगा, द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को दीर्घकालीन चिरंजीवी होने का वरदान दिया और आज भी प्रमाण है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। सबसे पहले आज जो क्षय हो रहा है वो कोई भी लड़का हो, कोई भी लड़की हो, समाज में आप किसी के यहां चले जाइए नमस्कार करना भूल गए। सबसे पहला हमारा जो इम्प्रेशन कहीं भी पड़ता है, हम किस समाज से आते हैं, हमारी सभ्यता का परिचय जो है, हम जब किसी के पास पहुंचते हैं तो हमारे अभिवादन से वो आदमी जान जाता है कि हमारा संस्कार कैसा है, हमारी संस्कृति कैसी है, हम किस घर से आते हैं। हम अपना परिचय हम खुद दे देते हैं, हमारे घर के बच्चे हमारा परिचय दे देते हैं। प्रायः लोग बोलते हैं कि ये आदमी बहुत ही विनम्र है और वो एक छाप उसके ऊपर पड़ जाता है कि ये आदमी विनम्र है, सुशील है, संस्कारी है, तो प्रायः 80% काम उसके ऐसे ही हो जाते हैं, एक उसके मोहर लग जाते हैं कि ये आदमी गलत नहीं करता होगा, ये आदमी गलत को प्रश्रय नहीं करता होगा। और आप कितने भी धनवान हैं, कितने भी बलशाली हैं, किसी के ललाट पर नहीं लिखा होता है,
कि ये आदमी धनवान है, ये बलशाली है। शास्त्रों में इसका भी उदाहरण दिया है, निरपत्वं च विद्वत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा और धनवान और विद्वान में कभी तुलना नहीं हो सकती। राजा के ललाट पर भी नहीं लिखा होता है कि ये अपने राज्य का राजा है, लेकिन जब विद्वान किसी सभा में जब खड़ा होकर के अपना परिचय अपने वाणी से लोगों को जब संबोधित करता है तो उसके ज्ञान को हर आदमी जान जाता है और उसके ज्ञान को लोग मानने के लिए विवश होते हैं। राजा भी अपने मंत्रिमंडल में विद्वानों की सभा रखा करते थे, पूर्व में हमें जानने को मिलता है। तो ये विद्या जो है हमें हमेशा विनम्र ही बनाता है, संस्कार जो है हमें विनम्र बनाता है और हमें कई जगह पे बुरे काम के लिए रोकता है। जब हम सुसंस्कृत हो जाएंगे, जब हमारे अंदर में ये सब आचरण आएगा तो हम खुद ही ऐसे सुसंस्कृत हो जाएंगे कि हम हमारा दिल जो है खुद ही बोलेगा कि हमें ऐसे गलत नहीं करना है, गलत नहीं सहना है, गलत नहीं सुनना है। और जब ऐसा हम अपने मन में यह संकल्प कर लेंगे तो बुराई अवश्य भागेगा, हमारा एकदम ऐसा मानना है। अब हम पहले शिखर पर चढ़ते हैं, हमारा बच्चा मान लीजिए घर में आ गया है तो हमें उस बच्चे का लालन पालन देख रेख ख्याल कैसे करना चाहिए। हमारा शास्त्र बताता है लालयेत पंचवर्षाणि दस वर्षाणि तारेत प्राप्ते तु षोडशं वर्षे पुत्रं मित्रवत आचरेत। बच्चे का जो लालन पालन है वो 5 वर्ष तक, बच्चे को 5 वर्ष तक कभी दुलार में भी मारना नहीं चाहिए। उसका जो लालन पालन होना चाहिए एकदम वो जैसा मस्ती करे उसको करने देना चाहिए। जो भी अगर उसको आप बोलिएगा कि ये बल्ब है इसको मत छुओ, वो बार बार उसको छुएगा, लेकिन जब वही अपने हाथ से उसको छू लेगा और जब वहां उसको गर्मी मालूम पड़ेगी बाद में नहीं छुएगा। हाँ, उसके ऊपर देख रेख जरूर रखिए कि कोई ऐसा चीज न छू दे, कोई ऐसा चीज न खा ले जिससे उसका शरीर का नुकसान हो जाए या उसका जान का नुकसान हो जाए। इतना ध्यान जब हम रखेंगे तो वह जो बच्चा है, क्योंकि 5 साल तक जो बुद्धि का विकास होता है ना वो कोरा कागज की तरह होता है, 5 से 10 साल तक जो है, कुछ जगह पे हमारे विद्वानों ने थोड़ा, और विद्वानों से ज्यादा मैं आज के जो ढोंगपंथी जो समाज के जो अगुवा है उनको दोषी मानता हूं। हमारे जो धार्मिक गुरु हैं खुद वो भटके हुए हैं। हमारा धर्म शास्त्र जो है 10 वर्षाणि तारेत का मतलब ये नहीं है कि डंडा उठाओ और उसको मारना चालू करो, या तुलसीदास ने रामायण में जो चौपाई लिखी है ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल तारणा के अधिकारी, यहां तारण का अर्थ कतई नहीं है कि उसको मारना है। तारण का अर्थ होता है कि जैसे हम एक पहले घास फूस की पलानी बनाते थे ना, घास फूस का जो घर होता था तो उसके अंदर मजबूत सपोर्ट देते थे, उसको तारण बोला जाता है। वहां उसका अर्थ है संभालना, उसको डांट करके, उसको समझा करके, उसके ऊपर थोड़ी सी शक्ति रख करके जब हम उसके भविष्य निर्माण की बातें उसको समझाएंगे, जब हम उसके आचरण की चीज हम उसको समझाएंगे, हम यह बताएंगे कि बेटा ये अंकल हैं इनको नमस्ते करो, इनका पांव छुओ,
तो उस समय वो हमारी बात को समझेगा। और जब आप खुद भी अपने से बड़ों को उसके सामने झुक करके बताएंगे कि देखो मैं अपने पिताजी का पांव छू रहा हूं, अपने मां का मैं पांव छू रहा हूं, और हर बच्चे का, हर मनुष्य का अगर पहला कोई गुरु है तो उसके माँ बाप। समाज आज यहां भी भटका हुआ है। माँ बाप की तो बात कौवे के समान लगती है, और मंदिरों में बाबाओं के पीछे उनके चरणों में जाकर लिपटे होते हैं। भगवान कभी नहीं खुश हो सकते ऐसे। जिसका माँ बाप दुखी है, जिसके माँ बाप अगर दिल से आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, हम भगवान के मंदिर में जाकर के अपना सर फोड़ दें तो भी भगवान हमें नहीं अपनाएंगे। तो सबसे पहला पूजा हमें अपने माँ बाप की करनी पड़ेगी। और माँ बाप अगर दिल से आशीर्वाद देते हैं तो हमें 100% उसका भरोसा है कि वो परिवार जो है, वो बच्चा जो है 100% उस ऊंचाई को पा सकता है जो भगवान के आशीर्वाद से भी नहीं पा सकता। तो सबसे पहले जो है हमें अपने परिवार में अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर स्नेह और उनको पांव छूने की आदत डालनी चाहिए। हमारे रामायण में भी तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाव ही माता। रघुनाथ जो भगवान के खुद अवतार थे, वो भी माता पिता और गुरु के आशीर्वाद लेकर के ही दिन का शुरुआत करते थे। और मर्यादा पुरुषोत्तम होने के बाद में, राजा होने के बाद में भी इस परंपरा को उन्होंने कायम रखा। जब हम ऐसे अपने परिवार के ऊपर ध्यान देंगे तो 100% मुझे विश्वास है कि वह परिवार जो है सुसंस्कृत, सुसंस्कारी परिवार बनेगा। जब हम ऐसे चरित्रवान हो जाएंगे, उसके आगे एक शास्त्रों में हमारे लिखा है, विद्या मित्रम प्रवासेषु, भार्या मित्रम गृहेषु च, व्याधि औषधम मित्र, धर्मो मित्रम मृतस्य च। हमारा ये संस्कार, हमारा ये चरित्र, चारित्रिक गुण जो है, हम कहीं भी जाएंगे तो हमारे ऊपर छाप छोड़ेगा ही। हम किसी भी प्रकार के व्यवसाय से जुड़े हों, हम किसी भी जगह पे अपनी नौकरी करते हों, हमारा एक अपना अलग पहचान बनेगा। आज भी भले 100 में से 99 बेईमान हैं, फिर भी अगर एक आदमी ईमानदार है, चरित्रवान है, तो उससे हर आदमी घबराता है। लोग बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत ही नीति नियम पर चलने वाला आदमी है। देखिए, एक आदमी केवल चरित्रवान होने से 99 आदमी उससे घबराता है। 99 आदमी उसकी नीति की चर्चा करता है। तो हमें भी अपने मन में यह धारण करना चाहिए कि हमें नीति पर चलना है, नियम पर चलना है, और अपना रास्ता। हमारे विद्वानों ने कहा है कि महाजनों जेन कतः सपन्था, जो ज्ञानी लोग जिस रास्ते से चलते हैं वो रास्ता बन जाता है। आज हम एग्जाम्पल देते हैं ना, ये महात्मा गांधी ने ये बात कही थी, विनोबा भावे ने ये बात कही थी, शंकराचार्य ने ये बात कही थी। तो हमें भी तो उन्होंने भी दो हाथ पांव नाक मुंह कान यही सब लेकर के पैदा हुए थे। हमें भी भगवान वही चीज दिया है, तो हम भी क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं कि हमने ये कहा था ऐसा कहीं लिखा जाए, हमने ये बोला था ऐसा कहीं बोला जाए। हमारे अंदर भी जब यह इस तरह की भावना आएगी, कब आएगी, जब हम उसके लायक हो जाएंगे, जब हम अपने चरित्र को उस हिसाब से किसी के आगे प्रस्तुत करेंगे, तभी जाकर के यह भावना आ सकती है।
जब हम अपने आप को उस ऊंचाई तक को स्थापित करने के लिए रख देंगे कि हमने ऐसा बोला है, उदाहरण बनने लगेगा, तभी जाकर के विद्या जो है, आपका संस्कार चरित्र जो है, आपके प्रवासन में, आपके जब भी कहीं जाते हैं तो वहां पे आपका मित्र होता है। घर में जो है आपकी पत्नी आपकी मित्र है। व्याधि के समय रोग आपको हो जाए तो उस समय आपका मित्र कौन है? औषधि आपका मित्र है। और धर्म जो है, मृत्यु सत्य है, मृत्यु सबको आनी है। धर्म आपका मृत्यु पर्यंत साथी रहेगा, मृत्यु पर्यंत आपका मित्र बना रहेगा। तो हमें धर्म को, सच्चाई को, न्याय को अपना करके चलना है, या बुराई अत्याचार और अनाचार को अपनाना है, ये हमें खुद को निर्णय लेना है। आगे और हम चलेंगे। मित्र की जब बात आई है तो हमारे मित्र कैसे होने चाहिए? मित्र के लिए हमारे शास्त्र में लिखा है, उत्समम व्यसने च एवं दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने च यह तिष्ठति सह बांधव। लेकिन आज के मित्र थोड़ा अलग है। आज के मित्र किस प्रकार के हैं कि जब लगी पैसा पास में, तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, और पैसा रहा न पास यार, मुख सो नहीं बोले। जबकि हमारे शास्त्र में मित्र की परिभाषा कुछ अलग है। उत्सव के समय, व्यसन में भी अगर आपके अंदर कोई दुर्गुण है तो उसमें भी वो आपको ये कोशिश करके उस दुर्गुण को बचाने का जो कोशिश करता है, उत्सव में तो आपके साथ हो लेकिन आपके दुर्गुण से आपको बचाने का कोशिश करता हो, और अगर किसी दुर्गुण या किसी व्यसन या किसी कारण से आप कहीं दंडित हो रहे हैं, राजद्वार में पकड़े गए हैं और वहां आपको दंड दिया जा रहा है, उस दंड के समय में भी आपके कंधे में कंधा मिलाकर के जो आपके साथ रहता है वो आपका सही मित्र है। आज के समय में ऐसे मित्र कितने हैं? शायद नहीं है। कितने की बात नहीं है, शायद आप जब पीछे मुड़ करके देखेंगे तो ऐसे मित्र नहीं मिलेंगे। तो हमें मित्रों को भी परखने आनी चाहिए। रही मन विपदा हो भली जो थोड़े दिन हो, हित अनहित या जगत में जानी पर सब हो। रहीम कवि ने विपत्ति भगवान से मांगी कि हमें थोड़े दिन के लिए विपत्ति देना, कि हम समझ तो सकें कि हमारे साथ कितने लोग खड़े हैं और हमारे को छोड़ करके जाने वाले कितने हैं। जब हम ऐसे गुणवान चरित्रवान मित्रों के बीच में रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है, भले मित्र दो हो लेकिन वो दो लाख पर भी भारी पड़ने लायक हो, ऐसे हमें मित्र रखने चाहिए। समय पूरा हो तो बता दीजिए। ऐसा नहीं, एक घंटा है ना। आगे आज के परिवेश में ज्यादा, चाहे मित्र हो, चाहे प्रेमी हो, चाहे प्रेमिका हो, उनके लिए शास्त्र में, क्योंकि आज किसी के पास में जो है सहनशीलता नहीं रही, और सहनशीलता नहीं रहने के पीछे कारण क्या है? हमारा आहार, हमारा कहते हैं ना कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। हमारे भारतीय संस्कृति का जो आहार है वो इतना संतुलित आहार है कि आपको किसी प्रकार की उत्तेजना,
किसी प्रकार की बहकावे में हर जगह पे अपने आप को मेंटेन रखने वाला आहार देता है। लेकिन आज चाहे पिज्जा है, बर्गर है, चाहे चाइनीज कोई भी फूड है, ये ऐसा जो आहार है इससे मनुष्य के अंदर सहने की जो शक्ति है वो छिन्न कर दिया है। और उसी को ध्यान में रख करके हमारे विद्वानों ने लिखा है, छने रुष्टा छने तुष्टा, रुष्टा तुष्टा रुष्टा छने छने, अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसाद अपि भयंकर। हम क्या करते हैं, एक ही दिन में मित्र बनाते हैं, एक ही दिन में उसकी अच्छाई भी जान लेते हैं, एक ही दिन में बुराई भी जान लेते हैं, एक ही दिन में प्रेमी बनाते हैं, एक ही दिन में उसकी अच्छाई भी जान लेते हैं और एक ही दिन में उसकी बुराई भी जान लेते हैं। और इसका परिणाम क्या हो रहा है, आज जो हमारा वैवाहिक जो चित्रण हो रहा है, सबसे पहले तो लोगों के मुंह से विवाह शब्द ही गायब हो गया है। कोई बोलता भी है हिंदी में तो ब्याह बोलता है, जहां से आह निकलता है वहां वाह वाह नहीं हो सकता। हम शब्द ही बोलना भूल गए, जबकि हमारा शब्द है विवाह। दो परिवार का आनंद के साथ, वाह वाह के साथ जो बंधन होता है उसको विवाह बोलते हैं। और दो परिवार, दो समाज, दो दिल, ये सब का जो आनंद चित्त माहौल में आनंद के साथ सब एक दूसरे को जान करके, हमारे यहां पहले एक कहावत होता था कि पानी को पियो तो छान कर और बेटी का ब्याह करो तो जान कर। और हमारे बड़े बुजुर्ग लोग शादी करने से पहले लड़के वाले के घर पर कभी कभी सरप्राइज विजिट भी करते थे कि हम इधर से निकल रहे थे, रात हो गया तो सोचे कि आ गए, जबकि उनका वो प्लान किया हुआ विजिट होता था, वो हमें कभी भी सरप्राइज नहीं जाते थे। और उनको जाकर के देखते थे कि इनके घर में आज क्या खाना बना है, इनके घर में परिवार के लोग कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, हमारी जो बेटी है इस घर में आएगी तो इस माहौल में रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। और आज ये बड़ों का अधिकार हमने छीन लिया है। आज लड़के लड़की आपस में बात करते हैं, एक जगह पे जॉब करते हैं, उनके भी 10-20 हजार कुछ पगार होते हैं, लड़की के भी 10-20 हजार कुछ पगार होते हैं, वो सोचते हैं हमारे जीवन का भविष्य का तो हम खुद ही निर्णय ले लेंगे, लेकिन उस संबंध का कोई आधार नहीं होता है। और एक दूसरे के साथ में हम इतने ज्यादा उम्मीद कर बैठते हैं कि अगर थोड़ी भी कोई बात उसकी हमें अच्छा नहीं लगती है, चाहे वो लड़का की बात हो या लड़की की बात हो, तो आज क्या हो रहा है, या तो फांसी लगा करके मर जाते हैं या तलाक ले लेते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, समाज और घर दोनों टूट रहा है। दो घंटा तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो घंटा तक खड़े होकर के पब्लिक जाइए इनको नहीं, दो घंटा तक मतलब सुनने वाले 100 किलो का पांव मतलब उसको भी सहन करने वाला हो, थोड़ा पानी दे। मगर टाइम कैसा मिश्रा जी, अभी क्या है लव मैरिज वगैरह तो नहीं, हम लव मैरिज का लाफत नहीं कर रहे हैं,
हमारा कहना ये है कि छानबीन बिना होता है उसमें वही बात है। जब हम विवाह शब्द देते हैं तो विवाह शब्द में कई चीज समान होना चाहिए। विवाह होने के बाद, संबंध होने के बाद एक शब्द होता है समधि, जो लड़का लड़की के पिता होते हैं उनको समधि बोला जाता है। सम मतलब होता है बराबर, समानता, और धी मतलब केवल स्टेटस से वहां संबंध नहीं है, वहां विचार से। जब दोनों परिवार की विचार कम से कम मिले, केवल लड़का लड़की का विचार मिल जाए, लड़का का बाप या लड़की का बाप या लड़की का परिवार या लड़का का परिवार अगर उससे सहमत नहीं हो तो उसमें कभी भी खुशी नहीं आ सकती। उसको कोशिश करिए। आप अगर प्रेम विवाह कर रहे हैं तो ऐसे कई प्रेम विवाह का भी उदाहरण है कि काफी अच्छे सक्सेस हुए, लेकिन कब? जब दोनों लड़का और लड़की अपने माँ बाप को अपना जो विचार है उसको समझाने में, एक दूसरे को जानने में, एक दूसरे को जानकर जब वो संतुष्ट हुए हैं और तब वह अगर शादी हुआ है, विवाह हुआ है, तो विवाह 100% सक्सेस हुआ है। मेरा यहाँ कतई ये कहना नहीं है कि जाति बंधन, मेरा ये नहीं है कि प्रेम विवाह का केवल इंटरकास्ट मैरिज से मेरा कोई संबंध नहीं। संबंध करिए, विवाह करिए, भले इंटरकास्ट करिए, लेकिन एक दूसरे को जानकर करिए, एक दूसरे के समाज के बारे में, एक दूसरे के परिवार के बारे में पूरी तरह से अवगत हो जाए, और तब अगर उसको करते हैं तो मेरा मानना है कि 99% उसमें कहीं भी किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। लेकिन उसके आचरण, यहां मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। प्रायः आप लोग टीवी सीरियल देखते होंगे या कथा कहानी भी पढ़ते होंगे। एक राजा था हर्षवर्धन, वो शिकार करने के लिए गया था और जंगल में भटक गया। भटक जाने के बाद दूसरे राज्य के सीमा में गया तो वहाँ कुछ जंगली जानवर ने उसको घायल वगैरह कर दिया था। वो जा करके सोया तो थोड़ा बेहोशी में सो रहा था। उसी राज्य से उसकी राजकुमारी की, राजा की जो कन्या थी राजकुमारी, वो जा रही थी तो देखी कि एक पुरुष जो है यहाँ बेहोशी की अवस्था में पड़ा हुआ है और उसको अपने महल में ले गए, उसका उपचार वगैरह करवाए। उपचार वगैरह करने के बाद वो राजा जो था वो हर्षवर्धन ठीक हो गया, लेकिन जो राजकुमारी थी वो उससे प्रेम कर बैठी थी। उसकी सेवा करते करते वो अपने मन की बात उसको बताई। राजा जो हर्षवर्धन था उसका घोड़ा वोरा जो पहले घोड़ा से ही प्रायः लोग यात्रा करते थे, तो घोड़ा बूढ़ा हो गया था, वो भी मर गया। तो एक दिन एक घोड़सार घोड़ा जो बेचने वाले होते थे उनके यहाँ गया घोड़ा बेचने, घोड़ा खरीदने के लिए। तो एक घोड़ा उसको पसंद आया, बोला कि ये घोड़ा हमें चाहिए। घोड़े वाले ने बोला, साहब ये घोड़ा देखने में आपको बहुत अच्छा तो लग रहा है, लेकिन इसमें एक अवगुण है। क्या अवगुण है? कि इसको माँ को चमक आती थी, जैसे कोई ढोल बजा वगैरह तो ये होती थी, तो इसीलिए इसके अंदर में भी वही जिन प्रवेश कर गया है, और ये भी जब कहीं कोई आवाज़ सुनती है तो चमक जाती है। उस राजकुमार में मन में आया कि अगर आज मैं इसके राजकुमारी को भगा करके अपने यहाँ ले जाता हूँ और मैं इसे विवाह रचाता हूँ, कल होकर के इसकी भी कोई कन्या होगी और वो भी भाग करके किसी और के साथ
विवाह करेगी तो हमारे तो खानदान का नाक कट जाएगा, और वह वहां से दूसरा घोड़ा खरीदता है और राजकुमारी को बताए बगैर वहां से भाग जाता है। उस समय की आप, मेरा यहां यह एग्जाम्पल देने का तात्पर्य यह नहीं है कि हम किसी प्रकार से किसी को हतोत्साहित करना चाहते हैं, यहां तात्पर्य यह है कि हमारा समाज, हमारा चरित्र कितना विकसित था उस समय कि अगर आज हम किसी को भगा करके ले जाते हैं तो कल हमारा भी कोई लेकर के जाएगा, वहां तक की हमारी सोच होती थी। सही बात है। तो जब हमारे अंदर में ऐसा चरित्र होगा, जब हमारे अंदर ऐसा संस्कार होगा, तो हम अपने बारे में तो सोचेंगे, दूसरे के बारे में भी हम ऐसा ही सोचेंगे कि जैसा हमारा कोई अगर घर का कोई चीज खराब कर रहा है, या हम किसी का घर का अगर संस्कार खराब कर रहे हैं तो हमारा भी कोई संस्कार खराब कर सकता है। तो हमें पहले अपना परिणाम दिखाई देगा, फिर हम वो कार्य करें। वैसे तो पहले दस दस रानियों भी रख देते हैं। दस दस रानियों का जो उदाहरण है वो उदाहरण इस तरह से है कि उनको संतान नहीं होता था। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि विलासिता के लिए कोई राजा जो है, जो जिनकी हम नाम लेते हैं, जैसे राजा दशरथ हैं, कृष्ण की लोग बताते हैं, मैं आपने चूंकि ये प्रश्न छेड़ा इसलिए मैं बता देता हूं, कृष्ण जहां भी गए रानी उनकी केवल एक ही थी, केवल रुक्मिणी जो थी उनकी एक रानी थी। और कृष्ण के बारे में यह बोला जाता है कि लाखों रानियां के बाद में भी वो जोगेश्वर थे। जोगेश्वर जो होना छोटी मोटी बात नहीं है। उन्होंने उन रानियों को, उस समाज के लोगों को अपना नाम दिया। नाम केवल क्यों दिया कि कृष्ण का नाम जुड़ जाने से कोई आदमी इनके तरफ देखेगा नहीं, वो भय, एक अपना नाम देकर के, बाकी उनके साथ कोई विलासता उन्होंने नहीं किया। कृष्ण की केवल और केवल एक ही रानी थी, रुक्मिणी थी। प्रेमी भले राधा का नाम आता है, लेकिन उनके साथ में भी उनका विवाह नहीं हुआ। अभी हम आगे, जब हम ऐसे चरित्रवान और गुणवान जब बनेंगे तो क्या होता है, आदमी चाहे किसी भी प्रकार की, गुणवान के अंदर में भी कहीं कहीं अहंकार आता है, विद्वान के अंदर में भी जब पूर्णता आ जाती है कि मैं पूर्ण हो गया, मैं कमा लिया, मैं धनवान हो गया, जब मैं शब्द आ जाती है तो आलसी हो जाता है। अब तू यो फिर क्या करता है, यत्न करना छोड़ देता है, प्रयत्न करना वो छोड़ देता है। हमारे शास्त्र में लिखा है, आलस्य से कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। जब हम आलसी बन जाते हैं तब हमारे अंदर की जो विद्या है वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाती है। तो हमें, अगर चरित्रवान हम बन भी गए, हमारा परिवार भी चरित्रवान बन गया, तो हमें और ज्यादा जागृत रहने की जरूरत है। आप देखते होंगे कि कोई आदमी की ऊंचाई अगर 6.5 फीट हो जाता है तो वो हर जगह थोड़ा झुक करके चलने का कोशिश करता है। जब आदमी इसी तरह से गुणवान हो जाता है, धनवान होता है, चरित्रवान होता है, तो उसके तरफ लोगों की उम्मीदें भी ज्यादा होती है।
कहीं कहीं आपने देखा होगा लोग बोलते हैं यार आपने ऐसा काम किया, इसका मतलब क्या? कि आपसे लोगों की उम्मीद ज्यादा थी और आपने वो काम किया, उतना ही कहना उस आदमी के लिए मृत्यु के समान हो जाता है। आज सबसे ज्यादा अगर कहीं भ्रष्टाचार फैला है तो शिक्षा के क्षेत्र में फैला। आए दिन आप अखबार उठा करके देखिए या कोई न्यूज उठा करके देखिए, कोई चैनल पर देखिए, कोई लड़की अपने गुरु के साथ अपने टीचर के साथ में भाग गई, टीचर ने उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। शिक्षा जो चरित्र के निर्माता है, वही चरित्र विहीन अगर हो जाते हैं तो समाज में क्या हो? अव्यवस्था तो फैलेगी। दूसरा, आप पहली कक्षा से लेकर के पीएचडी तक का सिलेबस उठा करके देखिए, कहीं भी चरित्र निर्माण से संबंधित एक पाठ भी नहीं है, एक पुस्तक भी नहीं। आप लोगों ने जब, मुझे जहां तक याद है 2000 तक सिलेबस में आता था नीति श्लोका, नीति पाठ्यक्रम, प्राय लोगों ने पढ़ा होगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आज ये सब लाइन ही गए थे, कहीं भी ये सुनने को नहीं मिलता। आजकल धड़ल्ले से क्या हो रहा है? एमबीए, एमबीए का मतलब हमारे हिसाब से क्या है? मूर्ख बनाओ एक आदमी। कुछ भी करो, उसमें यही सिखाया जाता है ना, साम दाम दंड भेद। आप कुछ भी करो, सामने वाले को टोपी पहनाओ, अपना उल्लू सीधा करो। पहले हमें सिखाया जाता था कि हमें ईमानदारी का पैसा चाहिए, हमें नीतिगत पैसा चाहिए, हमें सच्चाई का पैसा चाहिए, और आजकल क्या सिखाया जाता है? कुछ भी करो, पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। जैसा पैसा आपके घर में आएगा वो वैसा संस्कार लेकर के आएगा और वैसा ही वो काम आपके घर में करेगा। आजकल सब फील्ड में, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी हो, कहीं भी आप चले जाइए शिक्षा के लेकर के, माँ बाप ऐसे परेशान हैं। अभी एडमिशन का दौर चल रहा है, आए दिन 50 लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं मेरे बच्ची का इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हो रहा है, जबकि इसके 80% मार्क्स है और कोई 75% वाले ने 5 लाख रुपए डोनेशन दे दिया तो उसका हो गया। ऐसा आज जब ज्ञान जो है हमारा पैसा से दिखने लगा, आरक्षण के कारण कुछ जगह पे आज के डेट में करीब 40% तो रिजर्व सीट है, मोर देन दैट, उससे ज्यादा 40% से ज्यादा। सब जनरल कोटा के लिए सिर्फ 15% अवेलेबल है, 15% लेस देन दैट। अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस देश का क्या होगा। यहां पर भी मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाना चाहता हूं। एक हमारे मित्र हैं जो बेंगलोर में डॉक्टर है, और हमारे मित्र के जो कलीग्स हैं वो भी सेम फील्ड में डॉक्टर हैं, सेम फील्ड में सर्जन हैं। उनके पिताजी बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, नाम नहीं लूंगा। जब उनको ऑपरेशन कराने की बारी आई तो शैलेश मिश्रा जी के पास वो अपना ऑपरेशन करवाए, अपने पुत्र के पास ऑपरेशन नहीं कराए।
जबकि सेम फील्ड का जानकार उनका लड़का है, उनके लड़का का हॉस्पिटल मिश्रा जी के हॉस्पिटल से बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत सुविधा से धराया मतलब संपन्न हॉस्पिटल है, फिर भी वो वहाँ पे अपना ऑपरेशन नहीं कराए और दूसरे के यहाँ ऑपरेशन कराए। उनको पता है पैसा देके करवाया है। अब आप समझिए, अपने बच्चे पर भरोसा नहीं है, अपने लड़के के ऊपर उनको भरोसा नहीं है कि ये जो ऑपरेशन करेगा सही करेगा या कहीं छुरी कैंची मेरे पेट वेट में ही छोड़ देगा। आनंद जी बोलते हैं कैसा करेगा वो भरोसा डाउट है। डाउट जब ऐसा हमारा शिक्षा हो जाएगा, जब हम ऐसे हमारे संविधान के निर्माता हो जाएंगे जो वोट बैंक के लिए सही, तो दिशा ये होना चाहिए कि अगर कोई पिछड़ा जाति है, पिछड़ा आदमी है, तो उसके घर से ले जा करके उसको हॉस्टल में रख करके उसको अच्छा से अच्छा ड्रेस दे करके, अच्छा से अच्छा भोजन दे करके, अच्छा से अच्छा कॉपी किताब दे करके, फीस माफ करके उसको आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलवा करके उसे अगर पास करवाते तो उसमें भी वो गुण आ सकता था। एक कुत्ता हो और उसको बोलिए कि क्या शेर जैसा दिख रहा है, और एक शेर हो और उसको बोलिए क्या कुत्ता जैसा दिख रहा है, दोनों में अंतर हो जाएगा। उसको हम शेर बनाना तो चाहते हैं लेकिन वो शेर बन नहीं पा रहा। उसके अंदर जो भय है, उसके अंदर जो गुण है, वो निखर नहीं पाता है। क्योंकि जब हम पैसा का उसके टोपी जो चश्मा हमने उसके पहना दिया है, बड़े बाप के बिगड़े औलाद वाली, तो वो जाकर के वहां के माहौल को और दूषित करेगा। वो उसके मन में हमेशा ये कि मैं तो पैसा देकर के आया हूं, मेरे कहने से तो प्रिंसिपल भी ऐसे करेंगे, मेरे कहने से तो टीचर भी ऐसे करेंगे। तो जो अच्छे आचरण वाले लड़के हैं उसको भी वो डिस्टर्ब ही करेगा, उसको भी वो पढ़ने नहीं देगा। और यहां जो निखार आनी चाहिए वो निखार नहीं आएगा और समाज यहां से भटकना चालू हो रहा है। शिक्षा की प्रणाली जो है, जहां से हमारे चरित्र निर्माण का बेस है, वहीं से हमारा समाज जो है भटक चुका है। सही ज्ञान जो है वो नहीं मिल रहा, सही शिक्षा ही भटक चुका है। गुरु के प्रति जो हमारा स्नेह होना चाहिए या गुरु शिष्य का जो प्रेम होना चाहिए, वो प्रेम नहीं रहा। गुरु भी ये सोचते हैं कि भाई हम सैलरी लेते हैं, 2 घंटा का पीरियड लिया, अपना वो चले गए। नहीं, तो गुरु शिष्य के जो प्रेम के बारे में हमारे विद्वानों ने कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु जो है कुम्हार है तो शिष्य कुंभ है। गरी गरी काठ है काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर बाहर चोट। इस तरह के गुरु हमारे होते थे और आज के न गुरु ऐसे हैं न शिष्य ऐसे। अभी कुछ 10-11 दिन पहले की एक घटना है। एक क्लासेस चलाने वाला कोई आनंद का टीचर का अखबार में मैं पढ़ रहा था, तो अपने जितने भी बच्चों को पढ़ाता था उसको कोई फार्म हाउस में उसने पार्टी दिया। फार्म हाउस में दारू, मटन, चिकन जो भी परोसा जाता था वो सब चीज वहां परोसा गया। और गुरु के साथ में शिष्य भी पुलिस के रेड में पकड़े गए। 10-11 दिन पहले की ही संदेश अखबार में ये घटना था, आनंद के चौतर के आसपास का।
बताइए ऐसे गुरु से और ऐसे शिष्य से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। हम लोगों के समय में या प्रायः यहां जो लोग बैठे हैं उनके समय में यह था कि गुरु जी अगर क्लास में इंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं या प्रिंसिपल को कोई देख लेते थे तो सब सन्नाटा छा जाता था। वो कोई डर से नहीं, वो उनके प्रति जो आदर था और ज्ञान था। कहीं से भी कोई शिष्य उठ करके अगर कोई प्रश्न पूछता था तो वो उसको समझाने की उनमें क्षमता होती थी। आज का गुरु क्या है कि उतना ही रट करके आता है जितना उस दिन उसको पढ़ाना है। अगर बीच में कोई तेज लड़का है उसने कुछ प्रश्न कर दिया तो डंडा उठा करके दो डंडा मार दो, वो चुप हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान का लेवल जो है उनका, क्रोध जो है, अगर कोई आदमी किसी से कोई प्रश्न करता है और वो क्रोधित होता है इसका मतलब आप जान लीजिए कि उसमें अपूर्णता है, वो पूर्ण नहीं है। हर बात को क्रोधी होना अपूर्णता की निशानी है। और जब हमारा कोई शिक्षक है अगर हम उससे कोई भी प्रकार का अपना शंका समाधान चाहते हैं और वो समाधान करने में अगर अपने आप को अक्षम मानता है, जरूरी नहीं है कि हो सकता है वो समय उसको, तो बोले समझाए प्यार से कि बेटा आज मैं इस सब्जेक्ट पर नहीं सोच पाया हूं, कल सोच करके बताऊंगा। जरूरी नहीं हर आदमी को हर चीज प्रेजेंस ऑफ माइंड हर आदमी का उतना चले, जरूरी नहीं, लेकिन उसको समझा ले, उसको संतुष्ट कर दे, ये जरूरी। आज का शिक्षक एकदम भटका हुआ क्लासों में, आजकल जो ट्यूशन की परंपरा चला हुआ है, क्लासेज टीचर वो लिख करके लाता है, जेरोस करवा करके सभी बच्चों को बांट देता है। नोट्स लिखने का भी टेंशन नहीं, लिखने का भी टेंशन नहीं, जबकि हमारा शिक्षा प्रणाली बताता है कि करत करत अभ्यासते जर्मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल्पर परत निशान। अगर बच्चा अपने से दो चार बार कोई चीज लिखेगा तो पूरा नहीं तो थोड़ा तो उसके मानस पटल पर लिखा जाए। यह भी यहां पे खत्म हो गया। लिखने पढ़ने की परंपरा ही संवाद होते थे, क्वेश्चन आंसर आवर चलता था। हर क्लास में अगर 50 मिनट का क्लास होता था तो 20 मिनट क्वेश्चन आवर होता था। उस पाठ से संबंधित बच्चे प्रश्न पूछते थे या टीचर प्रश्न पूछते थे और बच्चे उसका जवाब देते थे। आजकल ये खत्म है। प्रायः स्कूलों में जब मैं संस्कार संस्कृति पर कहीं लेक्चर वगैरह देने जाता हूँ, अभी भवंस बॉम्बे में मैं गया था तो पूरा करीब 1200 बच्चों का हॉल में उन्होंने व्यवस्था रखा था ये संस्कार और संस्कृति पर। मैंने बच्चों से कुछ एक सवाल पूछे जो कि आज के डेट में, जैसे आप लोगों से नहीं पूछा ना कि गोत्र कितने आदमी जानते हैं, परिवार में कितने आदमी रहते हैं, बच्चे केवल मियां बीवी बच्चे समेत एमबीबीएस फैमिली हो गई, बच्चे अपने दादा का नाम बता पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। आज अगर एक परिवार में मान लीजिए कि चार भाई हैं, चार के चार बच्चे हुए, उनके चार बच्चे हुए, तो दादा के चारों भाई का नाम बताने में सक्षम नहीं हो पाते। हमारी जो मेंटलिटी है, हम कितने संकुचित होते जा रहे हैं, जबकि हमारे परिवार का दायरा कैसा होता था। पहले कोई राजा नगर सेठ मंत्री आते थे तो ढोल नगाड़े बजा करके उनके आगमन की सूचना दी जाती थी। क्यों, इसका क्या सोच होना चाहिए।
आप लोगों में से कोई ऐसा है जो बताएगा कि ये ढोल नगाड़े ही बजा करके उनकी सूचना क्यों दे जाती थी? पहले जो राजा मंत्री नगर सेठ आते थे उनके रेस्पेक्ट में नहीं, मैक्सिमम लोगों को पता चले, सही बात है। हर आदमी जानता था कि आज हमारा राजा कहां है, हर आदमी जानता था कि आज हमारा मंत्री कहां है, हर आदमी जानता था कि हमारा नगर सेठ कहां है, और हर किसी को हर आदमी के परिवार के बारे में जानकारी होती थी। आज रूम के अंदर बंद हुए, टीवी चालू किए, अगर औरत जो है अपना कोई टीवी का सीरियल देख रही है, उसको पति ने बदल दिया। महाभारत चालू, चार केस ऐसे मैंने पढ़े हैं कि टीवी के चैनल बदलने के कारण तलाक। चैनल के कारण चला। अब आप समझिए कि इस समाज से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं। हमारा समाज ये सिखाता था कि हम परिवार, परिवार के बाद हमारा अपना सोसाइटी, हमारा अपना गांव, अपना नगर, अपना जिला, अपना राज्य, अपना देश, अपना ब्रह्मांड, वसुधैव कुटुंबकम की जहां भावना हम पैदा करते थे, आज हम केवल मियां, बीबी, बच्चे और सन, बस MBBS फैमिली रह गई, यही रह गई है। इससे ज्यादा कोई सोचता है? तो हमारा यहां पर भी कहीं ना कहीं पतन हो रहा है। दूसरा देखिए, शिक्षा की प्रणाली कहां और गिरी। शास्त्र लिखता है, पुस्तक या तू या विद्या पर हस्तगतम धनम काल काले समुत्पन्ने नासा विद्या न तत्धनम। आज के बच्चों को बोलिए कि बेटा 19 का पहारा, पहारा समझते हैं ना, टेबल, 19 का पहारा थोड़ा पढ़ करके बताओ। वो बोलेगा पापा कैलकुलेटर दीजिए ना। कैलकुलेटर मांगेगा, कंप्यूटर मांगेगा, मोबाइल मांगेगा। पहले एक एक आदमी को 200-500 टेलीफोन नंबर उसके मस्तिष्क पर याद होते थे, आज क्या हो गया है, अपना खुद का मोबाइल नंबर याद नहीं रहता है। अपना तो याद रहता है, बीवी का नहीं रहता है। अपना बीवी बच्चों के घर में अगर हर हाथ में हर किसी के मोबाइल है तो मोबाइल नाम से सेव है, भाई पप्पू को फोन करना है। दूसरा, हमारी मानसिक गुलामी आज भी हम नहीं त्याग पाए। किस प्रकार से? अंग्रेज लोग जो अपने कुत्तों का नाम रखते थे ना, वो हम आजकल अपने बेटों का नाम रखते हैं। मिंटू, टिंकू, पिंटू, ये सब क्या नाम था? अंग्रेजों के कुत्तों का नाम था। और आज इंडियन लोग अपने बेटों का नाम लेते। पहले हमारे घर के दरवाजे पर लिखा होता था अतिथि देवो भव, स्वागतम। आजकल लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। सीधा तो लिख नहीं सकते। मतलब घर के अंदर जो रहने वाले हैं वो, उनकी मानसिकता क्या है? कुत्तों से सावधान, मतलब लिखने का कहां लिखा जाता था अतिथि देवो भव, कहां लिखा जाता था शुभ लाभ, स्वागतम, श्री गणेशाय नमः, ऐसे कई चीज लिखे जाते थे घर के ऊपर। और आज सीधे एक ही लाइन में लिखा रहता है
कुत्तों से सावधान, घर के रहने अंदर रहने वाले सभी कुत्ते हैं। ऐसा ही हुआ ना भाई, इसके जो ऐसा ही अंदर कुत्ता होता भी नहीं है, कहीं बांध के रखिए, कुत्ता नहीं होता है, कुत्ते तो बांधे हुए रहते हैं, खुले कुत्तों से सावधान। तो पुस्तक में जो विद्या पढ़ा है वो ऐसे तो विद्या तो है ही पुस्तक में ही है, लेकिन आपके किस काम का। आज हमारी मेमोरी जो है, याददाश्त जो है, कमजोर होने चली जा रही है, हमारे पुनरावृत्ति करने की जो क्षमता है वो कम होती जा रही है। कोई चीज की पुनरावृत्ति हम करना ही नहीं चाहते। यहां से हम निकले फिर वही भाग दो। आप में से कितने लोग शमशान गए हैं? करीब करीब सब लोग गए। वहां जाने के बाद कैसा है आप लोगों को अनुभव हुआ? वैराग्य भाव आते हैं, मोबाइल चालू ही रहते हैं आजकल। और वहां से जैसे गेट के बाहर आते हैं उसके बाद में फिर क्या होता है? फिर वही। लेकिन जो शमशान का जो सच है वो हम अपने जीवन पर कभी नहीं लाने देते। आखिर ये शरीर है क्या? पंचभूत से बना है और पंचभूत में ही मिल जाना है, तो हम क्यों ना एक मनुष्य बने, क्यों ना हम अपने जीवन को ऐसा कुछ बनाएं कि हमारा लोग नाम ले, सदियों तक हमारा नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। केवल हम अपने परिवार में जो सिमटे हुए हैं उससे थोड़ा बाहर निकले। परहस्त गतम धनम, अगर दूसरे के हाथ में धन है तो भी आपका किसी काम का नहीं, पुस्तक में विद्या है तो भी किसी काम का नहीं है। अब है चरित्र निर्माण के आखिरी पड़ाव जो है, हम अपने आप में क्या क्या चेंज करें जिससे हमें गलत काम करने पर मजबूर ना होना पड़े। किसी भी परिस्थिति में हम अपने आप को सबल बना सकें तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, मातृवत परदारेषु पितृव्येषु लुष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। आए दिन माताओं के साथ में बलात्कार, आए दिन लूट खसोट, आए दिन कुछ न कुछ समाचार हमें सुनने को मिलता है। जब हमारे अंदर में ऐसी भावना आ जाए कि हमारे आस पास में रहने वाले सभी जो स्त्री हैं वो हमारी माँ हैं, हमारी बहन हैं, तब हमारे उनका देखने का जो नजरिया है बदल जाएगा। और फिर जो ये अन्याय हो रहा है ये अन्याय रुकेगा। पर द्रव्य सुलुष्टवत, जैन साहब के पास में कितना पैसा है वो हमारे लिए एक तृण के समान है, हमारे लिए उस पैसे का कोई मतलब नहीं। हम जब ऐसा सोच लें कि दूसरे का जो धन है हमारे लिए किसी काम का नहीं है, पर द्रव्य सुलुष्टवत और आत्मवत सर्वभूतेषु, जब हम किसी को कुछ बोलते हैं तो उसको हो सकता है कि बुरा लगता हो, तो हमें भी वो बोलेगा बुरा लगेगा। कोई हमें गाली देगा तो हमें बुरा लगता है, तो हम भी उसको अगर गाली देंगे तो उसको बुरा लगेगा। जब हम अपने समान दूसरों को समझने लगेंगे
तब हम ज्ञान के और चरित्र के उस पराकाष्ठा को पार कर जाएंगे, और जब ऐसी भावना हमारे अंदर में आ जाएगी तो हमें गलत काम हमसे कोई करवा ही नहीं सकता। हमारे अंदर में ऐसी तेज उत्पन्न हो जाएगी, हमारे अंदर में ऐसी एक प्रबल इच्छा शक्ति उत्पन्न हो जाएगी कि हम न तो व्यभिचार कर सकते हैं, न किसी प्रकार का भ्रष्टाचार कर सकते हैं, न भ्रष्टाचार को सह सकते हैं, न भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। और हमारे जो लेखक पूर्व में रहे हैं, 18 पुराण लिखने के बाद व्यास जी ने भी यही बात लिखी, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनं। 18 पुराण लिखने के बाद उन्होंने देखा कि भाई 18 पुराण तो हर कोई पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन अगर किसी को एक लाइन में समझना है कि 18 पुराण में क्या है, तो उन्होंने दो बात समझाई, व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकारः पुण्याय, दूसरे के काम लगो, जितनी अपनी सामर्थ्य है, जितनी अपनी शक्ति है, जितना हम कर सकें। मान लीजिए आपके पास धन नहीं है, लेकिन कोई बूढ़ा व्यक्ति रोड के इस पास खड़ा है और उसका आपने हाथ पकड़ करके उसको रोड से रास्ता पार करवा दिया, अच्छा मार्ग दिखा दिया, तो भी आपके पुण्य में जुड़ता है। और आपने यहां देखा कि एक गाय तड़प रही है और उसको छोड़ करके वहां से आप चले गए, कोई भी पशु हो, कोई भी मनुष्य हो, और कोई कष्ट में है और उसको देख करके आपने अनदेखा किया, उसकी मदद नहीं किया, तो आप पाप के भागी बनते हैं। जितना संभव हो सके उतना आप अपने शरीर को, अपने धन को परोपकार में लगाएंगे। ऐसा किसी कवि ने कहा भी है कि जब घर में धन भरने लगे और नाव में जल भरने लगे तो दो हाथ उलीचिए यही सयानु काम, दोनों हाथ से अपने धन का, अपने शक्ति का और अपने ज्ञान का परमार्थ में यूज उपयोग करिए। आपका तो जीवन धन्य होगा ही, आपके परिवार का भी जीवन धन्य होगा, आपके समाज का भी जीवन धन्य होगा। और इस तरह से आप एक अलग अपनी पहचान वाले व्यक्ति बनेंगे, आपका भी लोग उदाहरण देंगे। आज यहाँ बड़ौदा में पाचू जी वर्धा जी को कौन नहीं जानता है? पाचू जी वर्धा जी एक नाम ऐसा है कि उनकी परोपकार की गाथा, हर ऐसा परोपकारी काम होगा जिसमें उनका नाम कहीं ना कहीं आता है, चाहे वो एम्बुलेंस की सेवा हो, चाहे जलाराम मंदिर में सेवा हो, चाहे एक विकलांग व्यक्ति की ट्राइसिकल देने की उनके दरवाजे पर जो भी गया, वो आदमी निराश नहीं आया और उसको संतुष्ट वाणी से भी, ऐसा नहीं कि वो देने के बाद कोई ऐसा मन में उनकी अहंकार आया कि भाई मैंने इसको ट्राइसिकल दिया। एक बार रहीम कवि से किसी ने पूछा कि आप जब दान देते हैं तो आप अपना नजर क्यों छुपा लेते हैं? रहीम कवि किसी को कुछ देते थे तो नजर अपना उसके तरफ नहीं करते थे, तो उन्होंने बोला कि देना दार तो कोई और है, देने वाला कोई और है, मुझे केवल माध्यम बनाया कि मैं, मुझे उस लायक बनाया है कि मैं उसको दे रहा हूं, तो मुझे किसी प्रकार की अहंकार ना हो कि मैं ये कर रहा हूं, मेरे द्वारा ये हो रहा है, इसलिए मैं उसके तरफ देखता हूं।
और इस तरह से परोपकार के और चरित्र की नाव हमेशा चलती रहती है। लास्ट में मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले एक शायर ने कहा है, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, न हो मायूस न घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। सुनहरा अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सर ये अपने जो बताया ना बच्चों की परवरिश के बारे में, तो आपने बताया 5 साल तक, बाद में आपने कुछ उसको उसका साल का कितने साल है मेरी पोतों की बात हो रही है डायरेक्ट बोता लाल ये तो पंच वर्षाणी 10 वर्षाणी तारे प्राप्ते तू 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरित। इसका यह है कि बच्चे का जो लालन पालन है दुलार है वो 5 वर्ष तक होना चाहिए। उसको थोड़ा भी आंख से भी, आप लोगों को कितने लोगों को मालूम है कि आज ना हम लोग रिमोट कंट्रोल के द्वारा टीवी वगैरह चलाते हैं, भगवान ने हमें बहुत साल पहले रिमोट कंट्रोल दिया है। कितने लोग जानते हैं हमारे पास में एक ऐसा रिमोट कंट्रोल है, आंखें। आंख हम बच्चे को अगर आंख भी दिखाते हैं ना तो वो डर जाता है, उतना भी नहीं करना चाहिए। 5 वर्ष तक के बच्चे को जो है जितना वो मस्ती करे उसको छूट देनी चाहिए। 5 वर्ष तक का जो उसका कागज है ना वो इतना परिपक्व हो जाना चाहिए कि जब हम 6ठे वर्ष से उस पर कुछ लिखना चाहें तो कभी मिटके नहीं। और 5 से 10 वर्ष तक का जो उम्र होता है वो उसको रिमोट कंट्रोल या सहारा दे करके या समझा बुझा करके जरूरत पड़े तो 1-2 झप्पड़ मार कर उसको हमें संभालना चाहिए और उसको उस हिसाब से ज्ञान की तरफ अग्रसर करना चाहिए। जब बच्चा 16 साल का हो जाए तो उसके साथ में मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, लड़की हो या लड़का हो कोई भी बच्चा हो, उसके साथ में जब हम एक मित्र के जैसा व्यवहार करेंगे, सुलझे हुए गार्जियन की तरह हम उसके साथ जब बर्ताव करेंगे तो 100% मेरा दावा है कि बच्चा आपके कहे रहे। दूसरा, जो अज्ञानी माता पिता होते हैं जिनमें मैच्योरिटी नहीं होती है उनका ही बच्चा हमेशा चाहे फेल होता है या गलत कदम उठाता है। कभी भी आप चाहे अपने व्यापार से थक कर आए हैं चाहे कहीं से भी किसी भी प्रकार की चिड़चिड़ाहट है वो चीज आप घर में लेकर के मत जाइए, उसको आप घर से बाहर छोड़ दीजिए। घर एक ऐसा वातावरण है जिसमें जिसको मंदिर समझिए और ऐसे मंदिर में शांति और सहजता से कुछ लोगों के साथ में हो सकता है कि पति पत्नी या बच्चों में कोई सामंजस्य नहीं होती, लेकिन वहां के लिए भी मैं एक मंत्र देता हूं, वहां चुप रहिए। अगर बच्चे आपसे समझ नहीं, मान लीजिए कि पत्नी का बात बच्चे मानते हैं, आपके पति पत्नी में किसी प्रकार का नहीं बनता है तो आप चुप रहिए। नहीं बोलने में 9 गुण होते हैं, इससे भी बहुत प्रकार का असर होगा और इससे आपका परिवार टूटेगा नहीं, आपका बच्चा बिगड़ेगा नहीं। मान लीजिए कि बच्चा माँ का बात मानता है तो माँ के बात, कभी भी माँ बाप जो है अपने बच्चे का कल्याण ही चाहते हैं, उनका बुराई नहीं चाहते। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति, कुपुत्र संभव है लेकिन कुमाता संभव नहीं, कुपिता संभव नहीं। हमारे
जो शास्त्र नियम जो बताए हैं, अगर हम शास्त्रवत अपने दिनचर्या को जिए ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि ना आपको कोई प्रकार की मेडिसिन लेनी पड़ेगी, ना किसी प्रकार की आपको तनाव लेनी पड़ेगी, और एकदम सहज आपकी जिंदगी चलता रहे। नहीं, वो तो जैसे माँ बाप तो सही 100% वही विषय है अपने, वही अपने को समझते हैं, मगर ऐसा भी है ना कि भाई बच्चे भी आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी एडवांस है, उसका बेनिफिट भी है। आज के स्टेज में समझो यहाँ लगभग 80% माँ बाप है, 70%, तो वो बच्चे के भी कई नई आइडिया होते हैं, कई जगह वो भी सही होता है। तो माँ बाप को मैं ही सही और मैं ही विलविशन हूँ, वो तो माइंड में है, मगर उनका भी व्यू लेना जरूरी है। मैं आपको पहले ही यही बात बोला कि जब बच्चा 16 साल का हो जाए, सही, उससे मित्रवत्र ही व्यवहार करना चाहिए। सही बात है, उसका भी बात सुनना ही चाहिए। बच्चे 16 साल से पहले का जो छोटा उम्र का बच्चा है, वो तो कोई ऐसा नहीं है कि कुछ ज्ञान दे सकता है, लेकिन जब वो 16 साल का हो जाए, क्योंकि हमारे धार्मिक जो परंपरा है उसमें 16 साल मैच्योरिटी का एक उम्र तय किया गया है। भले हमारी सरकार 18 साल के बाद में वोट डालने का अधिकार देती है, लेकिन हमारे जो धार्मिक जो परंपरा है, आध्यात्मिक परंपरा है, उसमें बच्चे को उसकी बौद्धिक विकास जो है वो 16 साल में आ जाती है। दूसरा क्या है कि आज कई चीज थोड़ा अंतर हुआ है। आज पैसे के पीछे भागता हुआ जो समाज है ना, बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। आपने जो बोला, बच्चे के ऊपर किस प्रकार से अन्याय कर रहा है, मियां बीवी दोनों ऑफिस, घर में कोई और है नहीं, या तो उसको बेबी केयर सेंटर में डाल देते हैं या कोई आया घर में रख लेते हैं। जब उस बच्चे को माँ बाप की प्यार की स्नेह की जरूरत होती है, तो उस समय या तो आया उसको डांट करके या कोई केमिकल पिला करके, अभी 10-15 दिन पहले ये भी एक आया था कि जो बेबी केयर सेंटर है वहाँ पे कोई मेडिसिन पिला करके सभी बच्चों को उससे ला देते हैं। अब जो बच्चा माँ के सीने का प्यार नहीं समझा होगा, बेटा का बाप का वो दुलार नहीं समझा होगा कि भाई घर में जब बाप पहुँचता है और बच्चे आकर के अपनी अपनी, जो मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, मैं रात को 10-11 बजे भी अगर जाऊंगा ना, तो पहले वो तीनों आकर के पूरी दिन की पूरी कहानी, मैं बीच में बैठ जाता हूं और पूरी अपनी वो सुना लेते हैं, फिर मैं पूछता हूं कि अच्छा और कुछ, तो नहीं बस यही आपको बताना था, फिर हम लोग सोने जाएं, अब जाओ सोने। अगर मैं वही बोलता है कि अरे मैं तो अभी थका हारा आया और तुम लोग अपनी अपनी सुनाने बैठ गए, तो उनमें क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा। किसको सुनाए अपनी बात, हम किसको सुनाए? हमारे जो मित्रों ने जो किया हमारे साथ, हमारे सोसाइटी के जो बच्चों ने किया, या हमें किसी ने मारा, या हमें किसी ने चोट पहुंचाया, या हमारे मान सम्मान को किसी ने आघात पहुंचाया, तो किसको सुनाए? जब आप उनको प्रेम से सुनेंगे। दूसरा, आज बच्चे जो प्रेम विवाह के तरफ या सोसाइटी के तरफ बढ़ रहे हैं, इसके पीछे हम गार्जियन ही जिम्मेवार हैं। हमारी उनसे उम्मीद इतनी बढ़ गई है, हर कोई ये चाहता है कि मेरा बच्चा 100 में 100 नंबर लाए, मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर ही बने, मेरा बच्चा आईएएस आईपीएस ही बने। लेकिन उसके लिए आपने क्या किया? केवल आया के भरोसे, केवल अच्छे ट्यूशन लगा देने से, अच्छे स्कूल में नाम लिखा देने से बच्चे में संस्कार का सिंचन नहीं होता। संस्कार का प्राथमिक पाठशाला तो उसका घर है, जिस माहौल में वो रहता है, जिस माहौल से वो जाता है, वो सबसे बड़ा उसके ऊपर असर डालता है। जब जो बच्चा 5 साल 10 साल तक जो बेबी केयर सेंटर में रहेगा,
वो उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके बुढ़ापा में वो आपके साथ रखेगा, वो भी आपको वृद्धाश्रम नहीं भेजेगा। जब उसका समय था कि वो आपके गोद का गर्मी महसूस करे, तो आपने तो उसको बेबी केयर सेंटर में डाल दिया। फिर आप बोलते हैं कि मैंने इसके लिए क्या नहीं किया, मैंने इतना पैसा इसमें ये लगा दिया, लेकिन जो करना था वो तो नहीं किया आपने। जब उसके उंगली पकड़ करके उसको सही रास्ता दिखाना था, वो आपने दिखाया नहीं। जब उसको चलने के लायक आप उसको अपने घोड़ा बन करके आपने उसको पीठ पर नहीं बैठाया, वो प्यार उसने उसको आपने नहीं दिया। तो फिर जब आपके सुनाने का दिन जब आता है, मनुष्य को कुछ जंतुओं के भी कुछ उम्र मिले हैं, जैसे 15 से 25 तक इसको गधा 25 ही बोलते हैं, गधे का उम्र होता है। उसी तरह से जब 50 से ऊपर का उम्र जो होता है तो उस पर कौवे का उम्र आता है। तो जब आप उसको कुछ भी बोलिएगा तो बोलेगा क्या काम काम कर रहा है बुढ़ा, उसको भेज दो वृद्धाश्रम। क्योंकि जब वो बच्चा रो रहा था तो आपने उसको सहलाया नहीं, आपने उसको उठाया नहीं, आपने उसको समझाया नहीं, आपने उसको ओलार प्यार नहीं दिया, मां होकर के आपने उसको लोरी गा करके नहीं सुनाया। तो आपको आज वो जब 50 55 साल 60 साल 70 साल की जब उम्र है तो आपका क्यों सुनेगा। आप बोल रहे हो कि नीति नियम से चलने का बिजनेस में तो अभी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कौन बोला? आप बताओ सर कहाँ पे बोलो 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 बोलो। नहीं मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, एक सेकंड, आपका आपका प्रश्न पूरा कर लो। नहीं आप बोल रहे हो भ्रष्टाचार नहीं करने का, बराबर पूरा सिस्टम ही नहीं हुई है, तो अपन नहीं करेंगे तो अपन तो निर्दोष ही नहीं मर जाएंगे, तो आपका नाम लिखा नहीं जाएगा सुमेर अक्षर होगा। ऐसा है, ऐसा बन जाएगा। मेरा व्यवसाय जो है ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय, और मैं नौकरी भी किया हूँ ट्रांसपोर्ट ऑफिस में, और आज खुद अपना मालिक भी हूँ ट्रांसपोर्ट। लेकिन मैंने अपने हाथ से किसी भी अधिकारी को या किसी कंपनी के कोई एम्प्लॉय को एक भी गिफ्ट भी नहीं दिया, और फिर भी मेरा काम चलता है। काम चलने में अटकने में चलने में वो बहुत तो पीछे वाली बात है, नहीं आज का जो सिस्टम है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हो सके उतना प्राइवेट कर सकते हैं, ऐसा मार्केटिंग है वो गलत ही, उसको मार्केटिंग नहीं है, उसको इंग्लिश में मार्केटिंग बोलते हैं और कुछ फर्क नहीं। मैं आपको वही चीज समझाना चाहता हूँ, मैं आपको वही चीज समझाना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आप 10 जगह पे जाएंगे उसमें 9 जगह आपके भ्रष्टाचार से लिप्त लोग मिलेंगे, लेकिन एक जगह तो ऐसा होगा जो कम से कम ईमानदार और सच्चाई के पथ पर चलने वाला आदमी होगा। आप उस एक से व्यापार करिए, 9 को छोड़ दीजिए। पहले शुरुआत तो करिए, शुरुआती का तो किसी न किसी को शुरुआत में तो किसी न किसी को आगे कदम बढ़ाना तो होगा, और करना हो तो एक बार कर डालेगा, रोज नहीं करेगा। और कोई करके पहुंचता है, ऐसे ही होता है, एक बार में एक शॉट को मारना ही पड़ेगा, वरना नहीं होगा कुछ। देखिए क्या चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। आप अगर रियली रेस्पेक्टेबिलिटी चाहते हैं, सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं, तो सही रास्ते से ही हो सकता है। शॉर्टकट में बहुत सारा पैसा कमाना, एक बार क्या करोगे पैसा बहुत सारा कमा के? अगर जो पैसा अपने घर में सुख शांति नहीं लाए वो पैसा लेके करोगे भी क्या? और V2E का पहला स्लाइड कि हमने कहीं ना कहीं पे जरिए को मंजिल बना लिया है, कहीं ना कहीं वेरी वेरी फर्स्ट स्लाइड है, कहीं ना कहीं पे जरिए को हमने मंजिल बना लिया है, वो पैसे को ही मंजिल बना लिया, तकलीफ यही है। मंजिल पैसा नहीं है, पैसा जरिया है। सी अल्टीमेटली व्हाट यू रियली वांट इज रेस्पेक्ट, एंड अगर आप
अपने खुद के नजरों में रेस्पेक्टेबल नहीं बनते तो फिर दुनिया के नजरों में रेस्पेक्टेबल बनने का कोई संभावना है ही नहीं, जीरो है। और ये परिवार का बेस ही वही है, ये परिवार का बेस ही यही है कि जहां पे हम बोलते हैं कि हमें सृष्टि के नियमों के अनुरूप चलेंगे तो ग्रोथ और हैप्पीनेस दोनों मिलेगा। वी स्पोक इन द लास्ट बैच एंड लास्ट मेनी मेनी बैचेस, सृष्टि के क्यों, हर एक जो नियम बनाए नियमों के अनुरूप चलो आप ग्रोथ ही ग्रोथ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। ट्रैफिक के नियमों के अनुरूप चलो आपको हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ो मन में डर रहेगा आपको, यस और नो, कि कौन कहां से आके कौन ठोकेगा आपको। यू आर सपोज टू पे टैक्सेस, उससे बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट टूल इज इनकम टैक्स, आप पे करो, आप देखो दुनिया की कौन सी ताकत आपको ग्रोथ करने में रोक सकती है। आप कॉम्प्लायंसेस को फॉलो करो, आप देखो कौन सी ताकत आपको रोक सकती है, कौन सा ऑफिसर आपको रोक सकता है। किसी और को मौका मिलता है जब हम गलत हैं, हम शॉर्टकट ढूंढने जाते हैं, यू नो वी रियली रियली वांट शॉर्टकट्स। और देखिए साहब, सीधे रास्ते से शॉर्टकट दुनिया में कोई है ही नहीं। एक जगह से दूसरी जगह जाने का सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता सीधा है, सही है। उसके अलावा कोई भी रास्ता लो वो लॉन्ग ही होगा, लॉन्ग ही लॉन्ग ही, उससे शॉर्ट कोई रास्ता है ही नहीं दुनिया में। सी व्हाट इज दैट यू वांट इज व्हाट इज द होल क्रिटिकल सब्जेक्ट। सिर्फ पैसा ही क्राइटेरिया है, देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू नो, तो तकलीफ ही है। What we want is growth with happiness. And growth में last पायदान पे आता financial growth, जो हमने बात किया V2E में. Last पायदान पे आता है financial growth. सबसे पहला financial growth अगर करना है तो पहले आपको intellectual growth करना पड़ेगा, मानसिकता का, आपके बौद्धिक विकास आपको करना पड़ेगा, रोज सीखना पड़ेगा आपको, emotional growth आपको करना पड़ेगा, जहां पे सहनशीलता संवेदनशीलता के बिना आप growth नहीं कर सकते आप। शारीरिक शक्ति का विकास आपको करना पड़ेगा, आप इतना दौड़ रहे हैं कि शरीर का आपको ख्याल रखने का यू नो वही नहीं है, तो आप कितना भी दौड़ लो आप एक सर्टन लेवल के बाद आप काम नहीं कर पाओगे। दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। इसके लिए योर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, अगर आप रियली अगर आपने आध्यात्मिकता का अगर आप ग्रोथ नहीं करते हो, अगर आप अपने आत्मा का कल्याण नहीं करते हो, तो आप यू विल नेवर बी रेस्पेक्टेड। अगर आप सामाजिक परिपेक्ष में अगर आप ग्रोथ नहीं करते हो, रिलेशनशिप नहीं बनाते हो, अगर पैसा ही इंपॉर्टेंट होता है तो सबको काटो, सबको मतलब वो करो, और फाइनली जब आप जाओगे तो उठाने वाला कोई चार लोग नहीं मिलेगा, क्योंकि जिंदगी भर सबको काटता है अपन। अगर सोशल डायमेंशन पे अगर ग्रोथ नहीं करेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल, प्रोफेशनल डायमेंशन पे अगर आप ग्रोथ नहीं करोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल अगेन। ये सारे डायमेंशन पे ग्रोथ करो तो मनी इज अ बाई प्रोडक्ट। The problem is, you know, like we have made the byproduct as our main product. Your main product is happiness. Main product is health. Your main product is peace of mind. Your main product, what you really want is respect, good quality of life. और उसके लिए कोई आपको नियमों को तोड़ने की जरूरत नहीं है सर। Yeah? चार सुख जो बताए गए हैं, उत्तम सुख निरोगी काया, दूजा सुख सुलक्षणी भार्या, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी, और चौथा सुख में संपत्ति माया। अगर आपके पास में तीन सुख है तो चौथा आएगा, तो चौथा अपने आप दौड़ करके आएगा। पर हम तीन को छोड़कर चौथे को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हो सकता, संभव ही नहीं। सही बात, पहले के तीन भी छूट जाते हैं। हाँ, पहले तीन भी छूट जाते हैं। बिजनेस के लिए सीधा रास्ता नहीं अपनाते तो आड़े में बंडे छूट जाता है, फिर ध्यान रहेगा नहीं। और जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की तरफ जाता है तो निश्चित तो छूट ही जाता है और अनिश्चित तो अनिश्चित है। सही बात है। सीएम साहब, साजन भाई, जयेश भाई, प्लीज आइए आगे आइए। हाँ साजन भाई, छोटा सा टोकन आप लोगों के हाथ से, फोटो साहब को एक फोटोग्राफ लो ना प्लीज। साहब बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। फोटो
इतना ही छोटा सा मंत्र है, कमिटेड टू ग्रोथ विद हैप्पीनेस फॉर मी एंड एवरीवन कनेक्टेड टू मी। थैंक यू मिश्रा जी, बहुत मजा आया। आप लोग मुझे बुलाए इसके लिए बहुत बहुत आभार। नहीं नहीं, बहुत बहुत सारी अच्छी अच्छी बात है। चलिए, कैन वी हैव द नेक्स्ट लेटर।